तो सादर प्रणाम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस समय अपने प्रयागराज के अरवासी हरभानपुर के बॉर्डर पे आए हैं, यानी कि अरवासी में आए हैं। जो प्रयागराज से जौनपुर रूट है उस पे आए हैं, और उसके बाद फूलपुर से 6 किलोमीटर आगे हैं, आए हैं जौनपुर की तरफ। बाकी अगर आप सिविल लाइन से या सिविल लाइन स्टेशन से आते हैं तो जो जौनपुर वाला रूट है अंदावा होते हुए वहाँ से यहाँ तक आएंगे। बाकी वाराणसी रूट तो अंदावा से सीधे चला गया है, तो आपको वाराणसी रूट नहीं जाना है तो जौनपुर रूट पे आना है। तो एक बहुत ही अच्छी जगह पे आ जाए हैं, जो कि हमारे प्रयागराज सिविल लाइन स्टेशन से या उसके बाद बस अड्डे से लगभग 40-42 किलोमीटर बहुत ही अच्छी जगह आए हैं, प्रवासी में आए हैं, जो कि रानी का तालाब है यहाँ पे, और प्राचीन तालाब है। उसके बाद प्राचीन हनुमान जी का मंदिर भी है, लगभग 200 वर्ष पुराना ऐसा बताया जाता है। तो दोस्तों देखिए, यही तालाब है जो कि रानी का तालाब है। ये थोड़ा सा आइए दिखाइए हमारे दर्शकों को, ये देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे डेली लोग आते हैं, यहाँ पे दर्शन भी करते हैं हनुमान जी का। बाकी यहाँ पे देखते हैं यहाँ का दृश्य, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों, ये देख सकते हैं कि। और बाकी यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, तो आइए पहले हनुमान जी का दर्शन वगैरह कर लेते हैं और देख लेते हैं, और यहाँ पे जो पुजारी जी हैं उनसे भी कुछ बात कर लेंगे और प्राचीन जानकारियाँ जैसे हुआ। ये देखिए, ये हनुमान जी का मंदिर है, ये थोड़ा सा यहाँ पास में लगा के दिखाइए, और यहाँ लगाइए, ये देखिए, ये देख सकते हैं दोस्तों, यही हनुमान जी का मंदिर है। और बाकी यहाँ पे कुछ भाई लोग भी हैं, इनसे लोग से भी बात कर लेते हैं। क्या नाम रहा भाई? शिवम सिंह। क्या यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, तो भाई ये मंदिर, मतलब तालाब जो है और मंदिर जो है बहुत फेमस है, हमने सुना है, तो यही सुन के हम लोग आए हैं प्रयागराज से। अदर स्टेट वाले यहाँ आते हैं। अच्छा, अदर स्टेट वाले भी आते हैं। अच्छा, और यहाँ पे डेली लोगों का आना जाना लगा? हाँ, लगभग 20-25 लोग रोज आते हैं। हाँ, रोज। तो मतलब कोई रोक टोक नहीं कि सोमवार आए या मंगलवार आए? हर दिन, किसी दिन? हाँ, साल 365 दिन में। अच्छा, जिस दिन आए। और यहाँ पे लोग टाइम भी बिताने आते हैं आराम से, यहाँ पे अच्छा लगता है। अच्छा, ये बताइए, जैसे वो बना हुआ है, क्या इधर सुधर जा सकते हैं? हाँ, चारों तरफ घूम सकते हैं। और यहाँ का कुछ जानकारी है आपके बारे में, तालाब वगैरह? तालाब जानकारी है कि इसको गोमती इंटर कॉलेज है। हाँ, इसी की रानी गोमती के नाम से, वही इनको इस तालाब को बनवाई थी। अच्छा, जो फूलपुर में गोमती? हाँ हाँ, वही रानी इस तालाब को बनवाई, गोमती रानी। हाँ, वही बनवाई थी। हाँ, तो दोस्तों आइए फिर यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे भी कुछ बात कर लेते हैं। बाकी वैसे जानकारी तो भाई से ले लिया हूँ कि यहाँ पे लोग आते हैं। आइए दोस्तों, ये प्रणाम गुरु जी। तो दोस्तों पुजारी जी मिल गए हैं, तो गुरु जी यहाँ के बारे में कुछ जानकारियाँ बताइए, ये तालाब किसने बनवाया था? रानी गोमती ने बनवाया था। अच्छा, और जो गोमती इंटर कॉलेज वहाँ पे फूलपुर में? हाँ, उन्हीं का, उन्हीं के नाम से, उन्हीं के नाम से। अच्छा, उन्हीं का बनवाया हुआ है। अच्छा, ये लगभग कितना वर्ष पुराना होगा? 200 वर्ष पुराना। 200 वर्ष। और ये जो हनुमान जी का मंदिर है, ये वाला, ये भी वही साथी का? अच्छा, उन्हीं ने ही बनवाया था दोनों? वही बनवाया। तो गुरु जी आपका नाम क्या है? हमारा नाम योगेश्वर शरण जी है। जी जी, तो चलिए ठीक है गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जानकारी देने के लिए। और गुरु जी ये जो बने हैं ये सब टाइप के क्या है? जैसे ये, जैसे कपड़े बदलने के लिए, स्नान करके जो है तालाब में कपड़े बदलने के लिए, बारिश होने लगी तो छाया में बैठने के लिए, यही सब। अच्छा, इधर से मान, ये देखिए इधर से ऐसे जाने का है। वो महिला घाट है, महिला अंदर ही स्नान करें, अंदर ही जो है कपड़े बदलें। हाँ, और रहने के लिए भी जगह होगा यहाँ पे? हाँ, रहने के लिए भी ऊपर वाला जैसे बना है, जैसे यहाँ रुक भी सकते हैं, भोजन वगैरह बना सकते हैं, सब यही सब व्यवस्था है। तो ठीक है दोस्तों आइए फिर हम विस्तार से हम दिखाते हैं बाकी यहाँ के जो तथ्य थे कुछ, तो महाराज जी से हमने जानकारी ले लिया। आइए हम खुद ही आपको दिखा देते हैं, उधर तालाब के पास चलते हैं और देखते हैं। ये देखिए, ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ये देखिए पत्थरों की सीढ़ियाँ हैं, ये जो कि 200 वर्ष पुरानी सीढ़ियाँ है, ये सब बनी हुई है, ये देखिए। ये गहरा भी होगा पानी, और दोस्तों काफ़ी गहरा पानी है, आप लोग जाइएगा मत, अगर आइएगा भी तो अंदर मत जाइएगा। ये तो आइए इधर से चलते हैं, देखते हैं।
तो आइए दोस्तों ऐसे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और जो कि ये रानी गोमती ने बनवाया था, और वही रानी गोमती जो गोमती इंटर कॉलेज आप लोग सुने होंगे। ये देखिए दोस्तों, बाकी ऊपर शौचालय वगैरह भी है, यात्रियों के लिए बनाया गया है, और यहाँ पे हमेशा लोग आते रहते हैं। और बाकी महाराज जी ने बता दिया है कि यहाँ पे रुकने उकने के लिए भी है, यहाँ पे रूम है, आप खाना वगैरह बना सकते हैं। ये ऊपर भी है ऐसे उसी टाइप का, चारों तरफ से रोड टाइप का है। देखिए कुछ लोग उधर आए हुए हैं, ये डांस कर रहे हैं। तो आइए अब इधर से चल देते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस तरह की केस बना हुआ है। ये देखिए इधर रानी गोमती का तालाब है। ये और दोस्तों, जब रानियां कई रानियां रहती थी, बाकी मेन रानी तो वही रानी गोमती जी थी, बाकी जो कई लोग रहती थी महिलाएं रानियां, तो स्नान करती थी तो वो जो सामने वाला रूम है उसी में कपड़े वगैरह बदलती थी, बता रहे हैं वो महाराज जी, यहाँ के जो पुजारी जी हैं। ये देखिए, बाकी पानी तो वैसे दोस्तों कहीं आ नहीं रहा है, ये बारिश का पानी लग रहा है क्योंकि पानी महिलाहा टाइप का है, गंदा पानी है, यही बारिश का पानी है। ये और ऊपर पीपल का पेड़ है, चारों तरफ से हरा भरा है एकदम। ये देखिए, थोड़ा ऊपर चल के देख लेते हैं, ऊपर से भी देख। ये देखिए दोस्तों, ये चारों तरफ से दोस्तों घूम के आपको मैं दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं, ये देखिए इधर से भी है। ये दोस्तों, अब बाकी वो सामने वाला उसको देखने का प्रयास करेंगे क्या बना हुआ है, बाकी ईंट का सब है बना हुआ है दोस्तों, उधर का दिखाई नहीं दे रहा है क्या बना हुआ है, वैसे बना हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा, उधर से अंदर जाने के लिए है लग रहा है, लेकिन सब लॉक है। बाकी दोस्तों यही इधर सब स्नान करती थी रानियाँ, स्नान के करने के बाद वस्त्र वगैरह सब इसी रूम में बदलती थी। ये बाकी इधर से जाने का रास्ता तो नहीं, अब ऊपर से चलेंगे हम लोग। और ये देखिए दोस्तों, ये इधर हम लोग आ गए हैं, बाकी इस इधर से प्रवेश करते हैं, प्रवेश द्वार था। ये देखिए इधर से भी प्रवेश द्वार है, ये ऐसे आइए एक बार अंदर चल के देख लेते हैं हम लोग। ये देख सकते हैं ऐसे ही, देखिए दोस्तों स्नान करने के बाद इसी भी वस्त्र बदलने का है बताए हैं, और इधर से भी रास्ता है। बाकी दोस्तों आइए अब ऊपर चलते हैं। आ गए हैं दोस्तों, ये दोस्तों हम आ गए हैं इधर, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है। आइए उधर भी दिखा देते हैं। तो दोस्तों ये देखिए ऐसे ही नीचे उतरना पड़ता है, बाकी इधर से भी, बाकी इसका गहराई बता रहे हैं लोग कि 15 फीट है, बाकी भाई इसकी कोई पुष्टि नहीं कर सकते हैं, बाकी आप लोग इसमें कूदिएगा मत अगर आइएगा।
तो ऐसे टहल लीजिएगा। ये देख सकते हैं, बाकी दोस्तों यहाँ पे रामलीला भी होता है, ये देख सकते हैं, ये श्री रामलीला कमेटी हरभानपुर अरवासी बहादुरगढ़ रानी का तालाब, देखिए ये इसमें सब लोग बैठते हैं, देखते हैं यहाँ पे दर्शक लोग, ये देख सकते हैं, ये दिखा दिया दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।